अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुमान, आप देख रहे हैं टेकोज और ये है रेडमी नोट 12 जिसको यूएई के अंदर लॉन्च कर दिया गया। बहुत जल्दी ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी एंट्री करने वाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि ये फोन किस किस्म का। इसके अलावा हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये कब तक आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं लाजमी तौर पर यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन रेडमी नोट 11 ये वाला स्मार्टफोन कितना ज्यादा इंप्रूव किया गया। अपनी ओपिनियन एंड के ऊपर मैं लाजमी तौर पर शेयर करूंगा और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को इसके लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग इसके बॉक्स की, तो बॉक्स काफी हद तक टिपिकल रेडमी के स्टाइल के अंदर आता है। यहाँ पर फ्रंट के ऊपर डिवाइस बनी हुई है, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर रेडमी नोट 12 की ब्रांडिंग है। अगर हम बात करते हैं नीचे वाली साइड की, तो नीचे वाली साइड के ऊपर रैम के को मेंशन किया गया, 8GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। मेरे पास जो कलर है ये आइस ब्लू कलर है। इसके अंदर आई थिंक आप लोगों को दो और कलर भी मिल जाएंगे। अगर हम बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी का पेपर वर्क मिल जाएगा। इसके अलावा बॉक्स के अंदर में सॉफ्ट सिलिकॉन केस भी प्रोवाइड किया गया, टाइप सी की केबल है, 33 वाट का चार्जर मिल जाएगा और फाइनली हमें सिम इजेक्शन पिन भी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर मैंने फोन को एक्टिवेट करके अपनी जो इनिशियल टाइप की टेस्टिंग है ना स्मार्टफोन की वो कर ली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और हैंड फील की। तो अभी मैंने इस फोन को हाथ के अंदर होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने के अंदर ये वाली डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाइब को प्रोवाइड कर रही है क्योंकि बैक साइड के ऊपर में ग्लास का पैनल प्रोवाइड किया गया और यहाँ पर इसकी जो लुक निकल के आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम मुझे लग रही है। अगर आप लोग इस लुक को कंपेयर करते हो रेडमी नोट 11 के साथ, तो लुक को और हैंड फील को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया और जो डिवाइस है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी लग रही है। यहां पर आप लोगों को फ्लैट इसका फ्रेम मिल जाएगा और पिछवल साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट टाइप का प्रोवाइड किया गया, डुअल कैमरा के रिंग्स मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल को मेंशन किया गया। ओवरऑल इसकी जो लुक है, हैंड फील है, लाइक मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री वाइब को प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट के ऊपर पंच होल है। अगर बेजल्स की बात की जाए तो हमें बेजल्स भी काफी ज्यादा नॉर्मल मिल जाते हैं। इसके अलावा मूव करें अगर हम इसके फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर, तो यहां पर राइट साइड के ऊपर पावर बटन है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंटीग्रेट किया गया है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं, जबकि टॉप साइड के ऊपर हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया, साथ में आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है और यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन भी लगा हुआ है नॉइस कैंसिलेशन वगैरह के लिए। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सिम ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर आप लोग डुअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड को डाल सकोगे। इसके अलावा नीचे वाले साइड के ऊपर स्पीकर, साथ में चार्जिंग की पोर्ट और हमारा जो मेन माइक है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर बात की जाए इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 1200 nits की ब्राइटनेस है, साथ में HDR की सपोर्ट भी मिल जाती है। अब एक चीज तो यहाँ पर टोटली तौर पर क्लियर है कि रेडमी ने जो जंप किया ना हाई रिफ्रेश रेट के अंदर वो काफी ज्यादा बड़ा, क्योंकि हमें बेस जो इसका मॉडल है Redmi Note 12 सीरीज का उसके अंदर ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, मैंने इनिशियली तौर पर जो कंटेंट को देखा ना, काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है, जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो रहे हैं, यहाँ पर कंट्रास्ट भी मिल रहा है और जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है बेस लाइनअप के फोन के अंदर काफ़ी एक अमेजिंग चीज़ है। आप लोगों को पता है कि रेडमी ने सबसे पहले अपनी नोट लाइनअप के अंदर में एमोलेड डिस्प्ले को दिया, साथ में फिर 90Hz दिया, अब फाइनली उन लोगों ने जो क्वालिटी है ना वो 120Hz के ऊपर जंप इन कर दी हुई है। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अमेजिंग लग रही है, यहाँ पर काफ़ी शार्प कलर नज़र आ रहे हैं और जो ब्राइटनेस है 1200 nits की वो भी मोर देन इनफ है, तो डिस्प्ले को तो डेफिनेटली पूरे पॉइंट्स ही जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो हमें इसके अंदर जो 8GB की रैम मिलती है ना, साथ में 3GB की वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया। अगर आपको एडिशनल रैम चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग उसको भी यूज कर पाओगे। स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया जो कि 6nm के ऊपर बेस्ड है। इस प्रोसेसर को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपकी जो एफिशिएंसी होने वाली है स्मार्टफोन के साथ वो काफी अमेजिंग होने वाली है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जो बैटरी की टाइमिंग होगी वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। ओवरऑल डे टू डे यूज के अंदर ये प्रोसेसर आपको काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग ने गेमिंग करनी है तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी डिसेंट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये वाला प्रोसेसर पावर एफिशिएंसी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है। अगर बात की जाए कैमरास की, तो फ्रंट के ऊपर 13MP का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 50MP का, साथ में 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है और 2MP का मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ इनिशियल सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, जो क्वालिटी है ना उसके अंदर में मुझे काफी ज्यादा बूस्ट नजर आ रहा है, जो प्रोसेसिंग है वो काफी इंप्रूव्ड लग रही है। अभी मैंने इसके कैमरास को इनिशियली तौर पर थोड़ा बहुत टेस्ट किया, इनिशियल टेस्टिंग के अंदर जो क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है।
ली है। इसके बाद अगर हम लोग मूव करते हैं इसकी बैटरी के ऊपर, तो 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि अगेन काफी डिसेंट कॉम्बिनेशन है। कुछ एडिशनल चीजों की बात की जाए तो ये वाली डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 के साथ आ रही है, जो कि एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं इस डिवाइस की पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी, लॉन्च और प्राइस की, तो यार इस डिवाइस ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाना था, लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, इस इकोनॉमिकल सिचुएशन के अंदर किसी डिवाइस का पाकिस्तान के अंदर आना काफी एक मुश्किल चीज है। और आपको यह भी पता है कि इंपोर्ट को लेकर भी काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये वाली डिवाइस बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जा रही है। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो अभी तक के लिए प्राइस का आइडिया लगाना इतना कोई ईजी नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो हर दिन चेंज हो रही होती है, लेकिन बहुत जल्द क्योंकि ये वाली डिवाइस आ रही है तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ इसको, अगर हम लोग ओवरऑल देखते ना, तो जो डिवाइस है ना एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 11 मुझे काफी ज्यादा इंप्रूव लगी, स्पेशली तौर पर अगर हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं या फिर हैंडफील की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफी मुझे प्रीमियम डिवाइस लग रही है। लाइक आप लोग बैक साइड से देखते हो ना, तो लगता नहीं है कि ये रेडमी की नोट 12 की स्टार्टिंग लाइनअप की डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्प्ले को देखते हैं तो डिस्प्ले भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, यहाँ पर आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी भी जो स्पेसिफिकेशन है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है, तो जो ओवरऑल डिवाइस बन रही है ना वो काफी अग्रेसिव बन रही है। और आप लोगों को ये भी पता है कि शाओमी वाले हमेशा से पाकिस्तान के अंदर अग्रेसिव आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इस डिवाइस के लिए वेट कर सकते हो। बहुत जल्द ये डिवाइस आने वाली है, मजीद जब ये डिवाइस आएगी तो हम लोग इसको डिटेल के अंदर टेस्ट भी कर लेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रेडमी नोट 12 के बारे में, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वाली डिवाइस कैसी लगी, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, वो भी मैं जानना चाहूंगा।